कृष्ण रांगा हमारे साथ हैं जी। मेरा भाई कैसे हैं? हाँ जी ठीक भाई है साहब, बस बढ़िया, सब ठीक। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप सनातनी भाई हैं हमारे एकदम भाई? बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, आर्या समाज से हैं, नॉर्मल है मेरे भाई, जी। नहीं, मैं पुराने एकदम नॉर्मल हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल है। ठीक है भाई, प्रश्न ये था आज का जो हम लेकर चल रहे हैं, ये औरतें सनातन धर्म को फॉलो नहीं कर रही हैं और खुलेआम जो है ना ये सर चुस्त देखो, किस्म के सनातन धर्म टाइट किस्म के की, वस्त्र पहन रही हैं, इस पर ठीक ये है, वेद से विरुद्ध जा रही हैं या नहीं जा रही, ये मेरा जानना था। हाँ देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद होगा, कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में कही है कि परिवर्तन संसार का नियम है, आपको परिवर्तन के साथ ही चलना चाहिए। जैसा समाज है, जिस टाइप की भी आज का कल्चर डेवलप हो रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे तो डायनासोर भी इस दुनिया से चले गए थे, और अच्छे से अच्छा शक्तिशाली इंसान भी चला जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज रही इस बात पहली की चीज को ले लेते भाई हैं, साहब, दूसरी चीज पे जाने से पहले पहली चीज को ले लेते हैं। चलिए। हाँ ठीक है, आपने कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कहा, किधर कहा है? हैं? किधर कहा है ये? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? जी, आपने कहा श्री कृष्ण ने क्या कहा है परिवर्तन ही संसार का नियम है, जी? किधर है, किधर, किस जगह पे लिखा है? गीता में। हाँ बताएं कहाँ कहाँ है गीता, कौन सा श्लोक है? आपको मैं बता देता हूँ, एक फोन पे रहिए, मैं अभी गूगल पे आपको बता जी देता हूँ कौन जी तो। जी शायद मैं स्ट्रीम यार्ड से निकल जाऊंगा तो अभी नहीं मेरे नहीं पास नहीं इसका, जैसे कह सकते हैं वो, नहीं मैं नहीं निकलूंगा तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। हाँ सर्च करें, जल्दी से मुझे दें, तब आगे बात होगी। पहली बात पे हम ना प्रमाण के साथ चलते हैं जी। एक सेकेंड, नौवे अध्याय के 10वें श्लोक में कही गई है। एक मिनट, 9वें अध्याय के 10वें, एक मिनट मैं निकाल रहा हूं। लो जी, ये मैं शेयर कर रहा हूं, 9वें का 10वां है। लें जी, 9वें का 10वां, 9वें का 10वां किधर गया है? ये है। हां जी भाई, हिंदी निकाल रहा हूं मैं जी। मेरे भाई ये देखें, 9वां, 9का 10वां जी, बताएं भाई क्या लिखा हुआ है। हे कुंती पुत्र, ये प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है, इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? तो परिवर्तन परिवर्तन होते रहते हैं ना, पर परिवर्तन किस, तो हाँ चलने, किस, हाँ ठीक है, किस हर कॉन्टेक्स्ट में तरीके कहा का गया? परिवर्तन, हर तरीके का परिवर्तन भगवान के थ्रू ही चलना है, चाहे वो हाँ पहनावे हाँ से लेकर हाँ हो, चाहे कल्चर से लेकर फर्क के हो, चाहे समझना है, रीति फर्क रिवाज ये से। पहला ये समझे। हे बताइए, कुंती, ये पढ़े। ये प्राकृत शक्ति, हे जी कुंती, ये प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है, जी इसी कारण चर और चर प्राणी कौन से होते हैं, सजीव और निर्जीव, कौन से? चलने वाले या नहीं चलने वाले, ठीक है, चलने वाले और ना चलने वाले, ठीक है, को उत्पन्न इसी करती कारण। है भौतिक जगत, जब भौतिक जगत में परिवर्तन होता हाँ, तो यहां पता क्या बात हो रही है, है। यहां प्राणियों की उत्पत्ति की बात हो रही है, ना कि संसार में परिवर्तन हो रहा है जो कि आपको विद और संसार में निषिद्ध में परिवर्तन, परिवर्तन अच्छा हो ठीक है, संसार में परिवर्तन किसके थ्रू हो रहा है, कौन कर रहा रहा है। संसार में जो नियम व्यवस्था है मनुष्य के लिए, उसमें किसी किस्म का परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो कौन ईश्वर कर की रहा तरफ है, से है। ठीक उसकी है, वजह मैं बता बताता देता हूं, बताइए। उसकी वजह अभी आपने देख लिया, ये भगवत गीता हाँ ना, मैंने हाँ इसीलिए जी, देखा कि यहां किसी जगह पर धर्म के नियम के बारे में ये कहा गया हो कि संसार में परिवर्तन होता है। ये भौतिक जगत, भौतिक भौतिक जगत भौतिक किसे ही है कहते हैं? ना भाई, भौतिक जगत, कपड़े पहनना भौतिक ही है, हमारा शरीर नहीं भौतिक ही ठीक है, है, भौतिक एक जगत फिजिकल बॉडी जो है ना, धर्म है ना, आत्मिक, सुने सुने सुने, अभी मैं जाने लगूं शास्त्र पे। वैसे तो यहां से जो आपने कहा था वो भौतिक निकला भौतिक नहीं, भौतिक कपड़े है कि नहीं है, भौतिक कपड़े तो हैं इसमें तो कोई शक ठीक है, नहीं, तो उसमें परिवर्तन है ना, मैं तो वही बात समझना परिवर्तन चाह रहा हूँ। एक है। पर देखें, परिवर्तन एक है कि ऐसा परिवर्तन हो जो नियम, जो वेद के अंदर नियम बताए गए हैं उससे विरुद्ध ना जा ना रहा ना है। ना ना, उसके विरुद्ध अब मैं जा आपको सकते बताने हैं क्यों, लगा, कौन कहता है कि नहीं अब जा सकता, मैं जाने लगा हूं जी मैं जी कह रहा वेद हूँ, फिर मैं कह जा रहा हूँ सकते हैं जो वेद कि से विरुद्ध? पूरा, हाँ, कौन कहता है नहीं जा हाँ, सकते, अब ये देखें, अब मैं बताता हूं नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, इसी वेद, इसी भगवत गीता से बताऊंगा, ठीक है? ये सुनना जरा आपने,
अब चलना है। भगवान ने तो कहा आप मेरे विरुद्ध भी जा सकते हो, जी 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 बहुत जी लोग जी भगवान जी के विरुद्ध भी गए, जी 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 जाते दुर्वासा होंगे, ऋषि सब ने कुछ जाके होता विष्णु होगा। भगवान को तो लात फिर की इसका मार दी मतलब, थी। यार आप शोर क्यों डाल रहे हैं, शोर मैं क्यों डाल शोर रहे नहीं हैं? डाल रहा, मैं आपसे मैंने बात आपका कर रहा तसल्ली हूँ। से सुना, अब एक आप अब रुक हमने जाएं दूसरी भाई, आप रुक क्यों नहीं रहे यार, रुक जाएं धीरज, मैं तो शोर नहीं डाल रहा, क्या हो गया? आपको तसल्ली सुनूंगा, ठीक है? अच्छा जी, क्या लिखा है? यह शास्त्र विधि मुस्तृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। पढ़े जरा जी, हाँ ठीक है। पढ़े। ये जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विविध नियमों को ठुकराते हैं, ना तो पुण्य प्राप्त करते हैं और ना आगे उधर करो ना जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, अब जबरदस्त, किसको ठुकराते हैं? शास्त्रों के विद्या वे निषेधों को, विद्या, हाँ ये देखें ये देखें, हाँ ये मान गया विद्या मान निषेधों को गया, ठुकराते हैं, वो ना बिल्कुल परामगति में पाते हैं और ना ही जीवन में लक्ष्यों की परम प्राप्ति लक्ष्य को करते प्राप्त हैं। होते हैं। आगे पढ़ना है, यहीं पर बस नहीं हुई, हाँ आगे आगे चलते, आप जितना चलते जाओ मैं चलने को तैयार हूँ जी। आपके साथ। तस्मा शास्त्रम परमानं ते कार्य कार्याव्यवस्थितौ। जी पढ़ें जी। बताइए, इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना है ये निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और और शास्त्रों शास्त्रों के, के निर्देशों उपदेशों को समझो तथा तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। ठीक है, हो हाँ ये देखें, संसार में गया। जिसमें परिवर्तन आप करवा रहे थे, तो हाँ, उसके नियम और शास्त्रों कर्तव्यों का पालन शास्त्रों करो। के अनुसार, ये देखो सर अब 2 मिनट, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा विराम जी देना जी चाहूंगा। जी जी हमारे जी शास्त्रों के अंदर जब भी कोई चीज होती थी तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते थे, एक तरीके का जिसे कहते हैं कि डिस्कशन होता था, जिसको उस टाइम में शास्त्रार्थ कहते थे। उस टाइम पे हम पैदा नहीं हुए ना, नहीं तो करते इन लोगों के साथ शास्त्रार्थ, अपनी बातें सिद्ध करते। कोई सा श्री भी कृष्ण, वैदिक श्री बंदा आ श्री जाता। कृष्णा के साथ आप शास्त्रार्थ करते, हाँ क्यों नहीं करते, करते तो फिर उनके साथ हाँ भी करते। जबरदस्त जबरदस्त। अब तो मेरी फिर बात, अब मैं दूसरी बात, अब तो दूसरी बात नहीं नहीं एक महिलाओं मिनट की एक मिनट, इज्जत यही का। रुकिएगा, हाँ मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात सुनी है, एक हाँ जुमला बोलूंगा हाँ सर, फिर आप बोलेंगे। बोलिए। अगर आप श्री कृष्णा से शास्त्रार्थ करते तो फिर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि भगवद गीता 9 का 10 पेश करें, आप ये अधिकार खो चुके हैं, क्यों खो चुका हूं? क्योंकि भगवद गीता में तो श्री कृष्णा की भी यही वाणी है, उन्होंने यही भी कहा हाँ, है, तो जो इसको, इस मुझे पर तो अच्छा आप लगेगा वो शास्त्रार्थ मैं करेंगे, स्वीकार करूंगा, उसके विरुद्ध जाएंगे। जो हाँ जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं स्वीकार करूंगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसे छोड़ दूंगा और उस पर हाँ, तो फिर शास्त्रार्थ कर भगवद गीता, दूंगा। फिर भगवद गीता अगर करते हैं अगर साइड तो पर। वो मुझे सिद्ध हाँ करे ना। नहीं, मैं कह रहा जी हूँ मैंने भगवत गीता की एक चीज उठाई, मेरे को पसंद आई, मैंने उसको ले लिया। जो चीज मुझे नहीं पसंद आई उसके लिए मैं भगवान से शास्त्रार्थ कर दूंगा, अगर वो मुझे हरा देंगे मैं उनकी मान लूंगा, और नहीं हराते तो नहीं मानता। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अच्छा, यानी इसका भाई? मतलब अब हम ये ले लेते हैं, मैं भी तो उस अब परम आपने ये परमेश्वर करना का है, ही एक अंश अब मैं हूँ। आपसे, नहीं, देखिए एक मेरी बात मिनट सुनो, एक सेकेंड, 2 मिनट ईश्वर आपके, 1 सेकेंड। मैं कह रहा हूँ से मैं सुनो ईश्वर का सुनो अंश हूँ जरा, कि नहीं हूँ? देखिए अच्छा, सनातन देखिए 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 धर्म के सुनो हिसाब सुनो से मैं सुनो ईश्वर का अंश सुनो हूँ कि सुनो नहीं सुनो, हूँ? 2 मिनट, 2 मिनट मेरे को आप, नहीं एक नहीं मिनट नहीं दिए, नहीं 1 मिनट मेरी इस बात का सवाल का जवाब दो। मैं ईश्वर का अंश हूँ कि नहीं हूँ? हूँ कि नहीं हूँ? नहीं अगर है, उस परमेश्वर का अंश हूं मैं, नहीं है, अरे वो कहते हैं ना भाई, हर आत्मा कहाँ से निकलती है? ब्रह्मा नहीं में, नहीं है ना, ब्रह्म नहीं में, है ना भाई, नहीं है और उसी में जाके मिल जाती है। भाई, तो नहीं हर, है, किसने कहा है आपको, किसने कहा है? चलो ठीक है, चलो मेरे पास भी इसके इसके ऊपर वो नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ठीक है, मैं हाँ, अब आपसे आ कभी जाते हैं नेक्स्ट वापस, टाइम आऊंगा अब मैंने तो आपकी मैं बात आपके सुनी, पास इसके अब लिए आपने मेरी श्लोक बात लेकर सुनी। जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, लेके आना लाजमी, जैसे भी भगवद मैं गीता का लेके दिया, आऊंगा मैंने आपके भी पास। आपको प्रमाण दिया, मैंने जो हाँ बोला मैंने उसका प्रमाण मैं दिया, आपको आप प्रमाण जो के साथ बोलेंगे उसका आऊंगा। प्रमाण हाँ देंगे। अच्छा ठीक है, मैं जो भी दो तीन अब सुने चीजें जरा आऊंगा तो मैं प्रमाण के साथ आऊंगा। ठीक है, जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब आपने सुनना एक चीज, जब आपने ये कह दिया ना कि जो आपको ठीक लगेगा आप उसको मानेंगे, जो आपको ठीक नहीं लगेगा आप उसको नहीं मानेंगे, ऐसे ही है हाँ ठीक है? हाँ आपको पता है भगवत गीता के विरुद्ध जा रहे हैं आप, ठीक है, तो तो यानी आप भगवत गीता के विरुद्ध जा सकते हैं अपनी स्वयं इच्छा से, ठीक है? हाँ अब आपने भगवत गीता को रख देना साइड पर, अब संसार में परिवर्तन हो रहा है, ये आपका प्रमाण या आपका आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आप चलो भगवत ठीक है गीता को ठीक है, 100% मैं ठीक नहीं इसको मानते, फिर कभी अब हमने ठीक है, लॉजिक की चलो बुनियाद पर चलना है, ठीक है? लॉजिक की ठीक है बुनियाद मैं, पर इस हाँ तरह ठीक चल है, लेते आ हैं, जाओ इस तरह वापस आ जाए। आ जाए, अब लॉजिक की हाँ, बुनियाद पे। अब आप मुझे ये बताएं, आपने एक चीज मानी
वो ये चीज मानी कि प्राचीन काल में उस वक्त के संसार के मुताबिक बरता जाता था, ये कपड़े पहने जाते थे, आज संसार में परिवर्तन हुआ इसलिए ये सिद्ध नहीं है कि इस पर पालन किया जाए। ठीक है, हाँ। ये बेइज्जती आपकी। मुझे ये बताएं कौन सा चेंज आया है स्त्री के अंगों के अंदर कि जो उस समय तो ढांपना था आज ढांपना नहीं है, स्त्री के अंगों में चेंज दिखानी है संसार में नहीं। ठीक है, अब मैं बात बोलूं जी, मैं बात बोल लूं। ठीक है जी, जी स्त्री के अंगों के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं। कपड़ों की टेक्नोलॉजी में चेंज आया ना, आया कि नहीं आया? कपड़ों में चेंज हो या ना हो, अंग वही हैं जिनको से ढांपना है, फर्क नहीं समझ रहे आप? इस वक्त याद रखें, लकड़ी की चप्पल आज भी पहनते होगा, मैं वही कह रहा हूं, लकड़ी की चप्पल आज भी पहनते होगा। नहीं, लकड़ी की नहीं पहनते ना, लकड़ी की नहीं पहनते खड़ाऊ पहनते थे ना पहले। अच्छा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, लो चेक करो जरा, अब रुक जाए, मेरे साथ चलें, मेरे साथ चलें, जिद ना करें, मेरे साथ चलें। लकड़ी की पहनते हो या कुछ भी पहनते हो, जूता पाओ में ही पहना जाता है, ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, जूता नहीं था तब, नंगे पाँव चले जूता, तो आपने जूते क्यों पहने? जूता, मेरा क्वेश्चन ये, आपने जूते क्यों? चेक कर, जूते, जूते ढांपने की बात हो रही है, जूते ढांपने की बात हो रही है। हाँ, मेरा क्वेश्चन वही है ना, मैंने क्या कहा? पाँव ढांपने की बात हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ, वहां तो वही चीज, पाँव ढांपने की, आपने ये चीज मानी। अच्छा, कपड़े थे, अच्छा कपड़े थे उस टाइम पे? किस टाइम पे? हाँ थे, थे हैं, जूते नहीं थे, कपड़े थे हैं? नहीं नहीं, जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, तो ढांपने का क्यों कहा गया? क्योंकि आप ये मान चुके हो, आप ये मान चुके हो कि उस समय पर ढांपने का कहा गया था, अब संसार में परिवर्तन हो गया, क्यों ढांपने का कहा गया था? कपड़े तो थे ही नहीं, जब ढांपने का कहा उस टाइम पे कपड़े थे, और उस टाइम जब ढांप, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, जब ढांपने, सुने 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 सुने, रुक जाए, कपड़ों की बात हो रही है, जूते इधर उधर नहीं, कपड़ों की फोकस रहना है। आपने कहा जिस टाइम ढांपने का कहा गया, आप शरीर के अंगों की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ उस टाइम पांव थे कि नहीं थे? आपने कहा जिस टाइम ढांपने का कहा, आप कह रहे हैं जिस टाइम ढांपने का कहा गया उस टाइम वस्त्र थे, ऐसे ही है ना? हाँ। आज वस्त्र हैं कि नहीं? है, तो फिर भी ढांपने का कहा गया। ठीक है, अब मैं इसी को आपको कहता हूँ, अब मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, उस टाइम पांव थे कि नहीं? बिल्कुल थे पांव। अच्छा, रबड़ था कि नहीं? पेड़ों से निकलता हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे पेड़ों से तो निकल रहा है ना रबड़, सालों अनादि काल से यार, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बंदे की कॉमन सेंस काम कर रही है कि नहीं, कि कहां स्त्री, मेरी बात एक मिनट, चलो मैं पूछता हूं, एक मिनट रुके जरा, रुके। अच्छा, अब सुनो जरा, पांव ढांकना ठीक है, ये जरूरी है? कांटा चुभ जाएगा ना? है, क्या होगा? कांटा चुभ जाएगा, कंकड़ लग सकता है, आपको पांव ढकना जरूरी है, कपड़े पहनना सर्दी से बचने के लिए जरूरी है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई तो समझ भी रहा है कि यार ये जिद कर रहा है मेरे साथ। अरे मैं जिद नहीं कर रहा, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मैं आपको जो जिस लेवल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो चीजें हैं, फर्क समझो, दो चीजें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, दो चीजें, ठीक है? चलिए, स्त्री के अंग वही हैं जो आज हैं, सेम है, ये आपने माना मेरे साथ, चलो स्टेप वन क्लियर हो गया। पांव भी वही है जो वही ओ हैं भाई, लेके चलो, मगर आप मानकर चल रहे हो, मैं भी तो लेके चल रहा हूँ, आपकी बात ही लेके चल रहा हूँ, कि मैं, मेरा भी तो पॉइंट लेके चलो ना, आप पांव के साथ, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इतने में ही हो गया जी, इतने में ही हो गया, क्योंकि बहस नहीं कर सकता, पागल बंदे के साथ बहस नहीं हो सकती। जूते की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पैर को प्रोटेक्शन थी। कपड़े की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि औरत के जिस्म को छुपाना था। अब उसमें जितना मर्जी एवोल्यूशन आए, मकसद तो पूरा करना था ना। अब उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको समझ ही नहीं आ रही, जाहिल के साथ बहस में मुबासा कर रहा हूँ, तो वो तेरे साथ नहीं हो सकती भाई बहस, तू समझ ही नहीं पा रहा पॉइंट को। पॉइंट नंबर वन, तुम माने स्त्री के अंग वही हैं जो आज हैं, उनमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तुम माने, तुमने ये माना कि जिस वक्त स्त्री को ढांपने का कहा गया उस वक्त वस्त्र मौजूद थे, तुमने कहा हाँ थे, आज वस्त्र हैं, हैं तो ढांपना चाहिए, परिवर्तन कहाँ हुआ? कॉमन सेंस बात समझ आ रही है? वो कह रहा जी पांव उस वक्त थे, उस वक्त जूते बने थे, नहीं बने थे, जूते का क्या लेना देना है? इसकी लॉजिक है कहां से, ये कौन सी लॉजिक है ये कि जी उस वक्त जूते बने थे, नहीं बने थे, वस्त्र थे कि नहीं थे, ये सहमति हुई ना?
ये तुमने एग्री किया कि नहीं वस्त्र थे? जूतों पर हमारा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, ना हो जूते वस्त्र तो है ना। अजीब अजीब बकवास किस्म का बंदा। और वो कह रहा जी इतने में हो गया, अब मेरा हो गया भाई, तू निकल, तू निकल भाई, ठीक है तू निकल, मेरा हो गया। अगर जूते नहीं थे तो पैर तो फिर भी ढाके ही जाते थे ना, चाहे वो लकड़ी की चप्पल से हो, जो भी अवेलेबल था उससे तो ढाके तो जाते, ढांकते तो थे ना, मटेरियल कुछ भी हो। असल जो इशू है ना, याद रखें, असल इशू जो है वो है उन अंगों को ढांपने का, कहना जो स्त्री के कशापलकों में आते हैं वो अंग, सिंपल, को ढांपने का कहा गया, वस्त्र मौजूद थे ढांपा गया, आज वस्त्र मौजूद है ढांपा जाएगा, कौन सा परिवर्तन हुआ है संसार में? परिवर्तन, और जो संसार के परिवर्तन की बता रहा है वहां उत्पत्ति की बात हो रही है, मोरालिटी की तो बात ही नहीं हो रही। और उसी भगवदगीता से दिखाया जी, मैं इसको नहीं मानूंगा, उसको पता चल गया था मैं फंस गया हूं, क्योंकि भगवदगीता के अंदर तो साफ लिखा हुआ है कि शास्त्र से हटकर आपने अपनी बुद्धि चलानी ही कोई नहीं है। ये देखे मैं दिखा देता हूँ दोबारा, उसको समझ आ गई थी उस बंदे को कि क्या हुआ है, इसीलिए उसने कहा है मैं भगवदगीता को नहीं मानता। तो लॉजिक के ऊपर आया, उसमें भी भाग गया, लॉजिक को भी नहीं फॉलो कर रहा। ये देखे क्या लिखा हुआ है, किधर गया, हाँ पीछे वाला, ठीक है ये देखें, ये देखना गौर से इस बंदे का ब्लंडर, उसको पता चल गया था मैं पकड़ा गया हूं। वो जो इच्छाओं के, हाँ अपनी इच्छाओं के अवोग के अंतर्गत कर्म करते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जो अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों की विधा निषेधों यानी जो चीजें प्रोहिबिटेड हैं को ठुकराते हैं कि हम चलेंगे जी, ये बोला गया अपनी इच्छा के अनुसार। अब इस भगवत गीता को मान नहीं रहा, 9-10 फटाफट पेश की, मगर जहां साफ लिखा है शास्त्रों को फॉलो करना है वो गटक गया, ए जी मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, ठीक है। लॉजिक पे भी अगर तुम बात करते और उसके मुताबिक समझते कि जो बात की जा रही है, मुझे मजा आता बात करने का, मगर मुझे थोड़ी सी बात करने के बाद पता चला कि तुम जाहिल हो, और जाहिल के साथ बात नहीं हो सकती, बहस में बहसा नहीं हो सकता, ठीक है।